गलोट तहसील के अंतर्गत शाम 4 बजे के करीब जंगल में लकड़ियां और घास लाने गए ग्रामीण सरकारी सीमेंट की 36 के करीब बोरियों को नाले में देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों ने इस सरकारी सीमेंट की बोरियों के बारे में ब्लॉक समिति सदस्य पनियाली सरेडी सुनील कुमार को इस बारे में अवगत करवाया। कुछ ही समय में वहाँ काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सरकारी सीमेंट की 36 के करीब ये बोरियां पनियाली पंचायत के कार्यालय से 400 मीटर के फासले पर जंगल में सड़क किनारे गहरे नाले में फेंकी गई थी। ये सरकारी सीमेंट पंचायत के विकास के लिए आया था या अन्य किसी विभाग का है या तो जांच का विषय है, मगर इस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग देखकर ग्रामीण भी दंग हैं। आए दिन सरकारी सीमेंट की इस कदर धांधली लोगों को हजम नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों ने इस सारे मामले की सूचना ग्लोट पुलिस चौकी को दे दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी व गहरे नाले में उतरने की कोशिश की जा रही थी। वहीं युवा मंडल गड्डो के प्रधान केतन कुमार ने बताया कि पंचायत में इस तरह सरकारी सीमेंट का मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मामले पर पनियाली सरेडी पंचायत के ब्लॉक समिति सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपए दे रही है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। इस मामले पर गलोट पुलिस चौकी के प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि जांच जारी है। नाले में सरकारी सीमेंट मिला है, गहरे नाले से सीमेंट को निकाला जाएगा और जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर इसके बारे में ऐसा ये तो मालूम नहीं किसने फेंका या किस पंचायत का ये क्या, पर जो भी जिसने गलत किया है ये सरकारी इसका दुरुपयोग हो रहा है ये तो, और इसकी छानबीन जहाँ तक हो विभागीय छानबीन की जाए और जिसका भी इसके ऊपर कोई ये है उसका कड़ी कार्रवाई की जाए।